हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, तो इसलिए जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं दो इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। पहला है कि फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन डेट कब होगा, और दूसरी चीज है कि जिन स्टूडेंट्स ने इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया उनके लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, एंड प्लीज वीडियो को लाइक भी कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट स्टूडेंट्स, तो प्लीज जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो सबसे पहली चीज मैं बता दूं कि फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन कब होगा। तो अगर आप देखेंगे, ये सीईटी सेल की वेबसाइट है, और उस पे अगर आप फार्मेसी के रजिस्ट्रेशन के लिए भी क्लिक करते हो तो फिर भी वही सेम वेबसाइट खुलती है। तो यहां पर मैं एक चीज बता दूं स्टूडेंट्स की, फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन है वो यूजुअली इंजीनियरिंग के रजिस्ट्रेशन के बाद ही स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्होंने पीसीएम एज वेल एज पीसीबी दोनों का सीईटी दिया होता है, एंड एक बोलते हैं ना, एक ऊपर से प्रेशर होता है कि मेजॉरिटी बच्चे इंजीनियरिंग की तरफ जाए। इसीलिए इंजीनियरिंग के जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो पहले होते हैं एज कंपेयर टू फार्मेसी, क्योंकि इंजीनियरिंग के कॉलेजेस जाता है, एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इंडिकेट करना चाहता हूं। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग की तरफ फोकस करने के लिए या इंजीनियरिंग की तरफ जाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो बोलेंगे कि यार फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन नहीं आया, चलो हमने पीसीएम भी दिया तो लेट्स रजिस्टर फॉर इंजीनियरिंग के लिए। तो वो चाहते हैं कि क्राउड ज्यादातर इंजीनियरिंग की तरफ आए, इसलिए फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन लेट स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कब रजिस्ट्रेशन होगा। तो फार्मेसी का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो मोस्टली नेक्स्ट वीक या उसके आगे से स्टार्ट हो सकता है। अब इंपॉर्टेंट अपडेट है फॉर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया स्टूडेंट्स, इस साल बहुत ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड कर रहे हैं, तो बड़ी अपडेट ये आई है कि अगर आप बी बीटेक वाले पे क्लिक करते हैं, सो यहां पे अगर आप देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन डेट थी वो बढ़ा दी गई है, आज की डेट थी अब वो 10 तारीख तक होगी। और यहां पे बोला गया है कि 10th जुलाई तक जो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको कैप राउंड में कंसीडर किया जाएगा, 10th के बाद वाले स्टूडेंट्स जो भी है वो नॉन कैप के लिए। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो सीट्स है इस साल बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर आप देखोगे क्राउड बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। सो मेक श्योर स्टूडेंट कि आप अपना कॉलेज लिस्ट प्रॉपरली बनाओ। अगर आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एंड फर्स्ट पिन कमेंट में इंडिया बडी का कॉलेज लिस्ट का फॉर्म है, आप उस फॉर्म को फिल कीजिए, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको कॉलेज लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप किसी और यूट्यूब चैनल से भी बना रहे हैं तो इन शॉर्ट वो हमसे ही फॉर्म बनवाते हैं, लिस्ट बनवा रहे हैं, और फिर वो आपको डबल कीमत पे दे रहे हैं। सो वहां पे आपको पैसे ना डालने से बेटर है आप यहां पे डाल दीजिए। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं क्योंकि हमारे पास भी बहुत क्राउड आ रहा है, तो जो रेट है वो अभी 450 है फॉर इंजीनियरिंग एंड 400 फॉर फार्मेसी, वो अब जो वीकेंड से बढ़ जाएगा। सो प्लीज उसके पहले ही आप भी फॉर्म फिल कर दीजिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, जो कॉलेज लिस्ट हम आपको देंगे उसमें आपको बहुत हाई चांसेस है कि आपको कॉलेज लग ही जाएगा। सो प्लीज स्टूडेंट, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट यही है कि फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट वीक या उसके आगे से स्टार्ट होगा, और उसका वजह क्यों वो मैंने आपको बता दिया। और इंजीनियरिंग में इस साल बहुत ज्यादा क्राउड्स जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मोर देन 32% का इंक्रीज आ रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है। मतलब आप मान के चलिए कि 32% के रैंक्स में भी फर्क आएगा, तो आप समझिए कि परसेंटाइल जो होगा वो 3 से 5% कट ऑफ ऊपर जाएगा, खासकर जो मीडियम लेवल के कॉलेजेस हैं, क्योंकि टॉप लेवल के कॉलेजेस तो 99-98 पे ही बंद हो जाएंगे, लेकिन जो 91 वाले थे या 85 वाले या 70 वाले थे उसमें बहुत बड़ा फर्क आएगा। सो प्लीज स्टूडेंट, प्लीज स्मार्टली खेलिए, कॉलेज लिस्ट बना के लीजिए, बहुत काम की चीज है। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे मालूम है ये वीडियो आपको पसंद है, आप लाइक करेंगे, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।